पुत्र हनुमान, मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं शीघ्र प्रस्थान करूंगा और भ्राता सुग्रीव के प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। प्रणाम सूर्यदेव। मंत्री जी, आपका क्या विचार है? स्वामी, बाली भैया, आप जीवित हैं? इतना सुखद आश्चर्य है भ्राता, इतना सुखद आश्चर्य है वाली भैया। विश्वासघाती, मैंने तुम्हें उस कंदरा के समीप प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, परंतु पद लालच के वश में तुमने भ्रातद्रोह का नीच कृत्य किया है। मेरी ही घात का प्रबंध करके मेरे ही सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराज, नहीं वाली भैया, ऐसा नहीं है। आप मेरा विश्वास भी कहने सुनने को शेष क्या रह गया है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से तुमको सिंहासन पर बैठे हुए देखा है। नीच कपटी वानर, अब मैं तुम्हें इस विश्वासघात का दंड दूंगा। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। स्वामी, वाली भैया, कपटी लालची, विश्वासघाती, तुम जीवित रहने योग्य नहीं हो। हनुमान। प्रणाम वाली भैया। इस मरकट के सम्मुख आने से मुझे भय का आभास क्यों हो रहा है? हनुमान, शत्रु तुम्हारा सामना करने के पूर्व असंख्य बार विचार करेगा और तुम्हारे सम्मुख आने पर भयाक्रांत हो जाएगा। वाली भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके साथ कोई द्रोह नहीं किया। मैं एक वर्ष तक उस कंदरा के बाहर आपकी प्रतीक्षा करता रहा। भैया, मैंने जब आपके स्वर में चित्कार सुनी और उस कंदरा के मुख से बहती हुई रक्त की धारा को देखा, तो मुझे आभास हुआ। तुम्हें आभास हुआ कि महानतम वाली परलोक से धार गया। इसीलिए तुम किष्किंधा लौटकर सर्वप्रथम राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। कपटी लालची, नहीं वाली भैया, तुम चले जाओ यहां से। मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत करो मरकट।
से हट जाओ मरकट। पाली भैया रुक जाइए, मैंने अपने गुरु सूर्यदेव को वचन दिया है कि मैं अपने भ्राता सुग्रीव के प्राणों की रक्षा करूंगा। आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए, ऋषिमुख पर्वत पहुंचिए आप। ये तुम क्या कह रहे हो मरकट? सुग्रीव तुम कहीं नहीं जाओगे, छोड़ो मुझे। संकोच मत कीजिए भ्राता सुग्रीव, शीघ्र प्रस्थान कीजिए आप, मेरा सुझाव मानिए, शीघ्रता कीजिए, जाइए जाइए भ्राता सुग्रीव, जाइए। सुग्रीव सुग्रीव प्रतीत होता है कि सुग्रीव से पहले मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा मरकट। हनुमान शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। बाली भैया को युद्ध में उलझा कर रखना होगा, जिससे भ्राता सुग्रीव को समय मिल जाए और वो सुरक्षित ऋषिमुख पर्वत पहुंच सके। पाली भैया की जितनी ख्याति सुनी थी वो तो उससे कहीं अधिक बलशाली है। मैं तो यहां युद्ध में उलझा हुआ हूं, ज्ञात नहीं कि भ्राता सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। सामना करो मेरा, अन्यथा जहाँ जाओगे वहीं आकर वध करूंगा तुम्हारा और तुम्हारे भ्राता सुग्रीव का। दिशा से ऋषिमुख पर्वत समीप पड़ेगा, आप आगे बढ़ते जाइए। सुग्रीव मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। सुग्रीव मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। वाली जोहत सुग्रीव चाहो, तब कपीश ही प्राण बचायो, गिरी ऋषिमुख सुग्रीव पहुँचाए, दत्त वचन गुरुवर को निभाए, हनुमत अपने वचन के पालक, वीर प्रतापी राम के साधक,
जय हो तुम्हारी श्री हनुमंत, तुम रसुमिरन पीर का अंत। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यदि ऋष्यमुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। परंतु ऐसा क्या था प्राणवल्लभ जो वाली को ऋष्यमुख पर्वत पर जाने से रोक रहा था? एक श्राप। असुर मायावी दुर्मत्स्य से पूर्व उसके अति बलशाली भाई विकराल असुर दुंदुभि ने वाली को चुनौती देने की भूल की। बल के अहंकार में दुंदुभि की मति भ्रष्ट हो चुकी थी और वो वाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए आ पहुंचा। वाली सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता था, उसने अविलंब दुंदुभि की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के आरंभ से पूर्व दुंदुभि ने एक अत्यंत भयंकर जंगली वृषभ का रूप धारण कर लिया। महानतम वाली को चुनौती देने का एक ही परिणाम संभव है, मृत्यु। अभी तो तुम आहत हुए हो, वाली तुम्हें तुम्हारे काल के पास भेजेगा। वध करने के उपरांत उसे यहां फेंककर मेरे आश्रम को दूषित करने का अपराध किसने किया है? कौन है वो? किष्कंधा के दंभी नरेश वाली, तुमने मेरे मदंग ऋषि के आश्रम को अपवित्र करने का अपराध किया है। उसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यदि ऋष्यमुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। मैं समझ गई प्राणवल्लभ, मतंग ऋषि के श्राप के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर बाली का प्रवेश वर्जित था, जिसके कारण वह एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ वाली सुग्रीव को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता था। हाँ देवी, और वाली वहां तक पहुंच पाए उसके पूर्व हनुमान और सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत की सीमा में प्रविष्ट हो गए। हताश वाली को रिक्त हाथ वहां से लौटने पर बाध्य होना पड़ा। इस बीच हनुमान और सुग्रीव निरंतर चलते चलते कलांत होकर पंपासुर पहुंच गए। वहां उनकी भेंट रीछराज जामवन जी से हुई, जिनकी शरण में उन दोनों ने पंपासुर में रहने का ही निश्चय किया।
और तभी हनुमान को एक असाधारण एवं अलौकिक आकर्षण का अनुभव हुआ। प्रभु श्री राम जय हनुमान।